बैक टू दी चैनल। आज मैं आई हूँ अमीनाबाद लखनऊ यहाँ के टुंडे कबाब खाने, और इस जगह का नाम ही टुंडे कबाब है और ये बहुत ही फेमस जगह है लखनऊ की। तो प्राइजेज आर वेरी रीज़नेबल, और मैंने ऑर्डर किया है एक चिकन टुंडे कबाब, एक मटन टुंडे कबाब और एक चिकन बिरयानी, और इसके बाद मैं शायद डेजर्ट में ऑर्डर करूँगी अवधी खीर। तो मैं वेट कर रही हूँ अपने ऑर्डर का आने का। और ये जो रेस्टोरेंट है ये अच्छा खासा बड़ा है, इनके पास सिटिंग अरेंजमेंट ह्यूज है, इनके दो फ्लोर हैं और आप इंटीरियर भी देख सकते हो, इतनी सुंदर नक्काशी की हुई है इस पर। और जिस एरिया में मैं बैठी हूँ ये सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए, जो भी फैमिली अगर आ रही है तो भी वो इसी एरिया में बैठेगी, या अगर सिर्फ लेडीज़ आ रही हैं वो भी इसी एरिया में बैठेगी, और जो इसके दूसरी वाली साइड जगह है वो जेंट्स के लिए है। तो जैसे कि मैं पहले बाहर बैठी हुई थी तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर चले जाओ, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी मतलब पता नहीं ऐसा इन्होंने मेरे साथ क्यों किया है, मतलब ऐसा यहाँ पे रूल क्यों है। मैं वेट कर रही हूँ अपने टुंडे कबाब का और फिर मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके कि ये कैसे हैं। स्टे ट्यून्ड। इनके पास चिकन टुंडे कबाब नहीं थे तो उसके बदले मैंने सीख कबाब ऑर्डर किए हैं, वो भी आए नहीं। ये है मटन टुंडे कबाब, ये है चिकन बिरयानी, और इनको खाया जाता है इस मुगलाई पराठे के साथ। और तो अब मैं इनको टेस्ट करूँगी। मैंने उससे पहले टुंडे कबाब कभी नहीं खाए, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सुना ही सुना है पर खाए कभी नहीं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत टेस्टी है, खा के मुझे मज़ा आ गया, जी सा आ गया खा के। और बिरयानी भी बहुत टेस्टी लग रही है। बिरयानी तो हर किसी की वीकनेस है और मेरी भी बिरयानी वीकनेस है, मैं हफ्तों में सातों दिन बिरयानी खा सकती हूँ, मुझे बिरयानी इतनी पसंद है, मुझे ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी पसंद नहीं है। ये भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आप भी लखनऊ आओ और आपका मन हो टुंडे कबाब खाने का तो ये जगह आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। इससे पहले मैं गई थी चौक में भी एक मार्केट है, फूड मार्केट है, बट वहाँ पे सिर्फ बीफ के टुंडे मिलते हैं, चिकन के नहीं मिलते, इसीलिए वो जगह छोड़ के फिर मुझे यहाँ अमीनाबाद आना पड़ा। मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया है। टुंडे कबाब इतने टेस्टी थे कि उसके आगे चिकन सीख कबाब इतने फीके लग रहे थे, और चिकन सीख कबाब में मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। बिरयानी ठीक थी, चावल अच्छे थे, बट पता नहीं टेस्ट क्यों नहीं था। एक बाइट लेके मुझे लगा था अच्छा, बट मुझे बिरयानी कुछ खास पसंद नहीं आई। अब मैंने ऑर्डर करी है अवधी खीर, तो अब मैं इसको देखूँगी, अब मैं इसको खाऊँगी कि ये कैसी है। ठंडी है ये, ठंडी नहीं, कोई कोई गर्म भी खाता है ना। ठंडी है और येलो इश इसका कलर है। ठीक है, एक अच्छी बात यह कि ये मीठी नहीं है, इस चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ, और टेस्ट में अच्छी लग रही है, इट्स नाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।